नोटबंदी के बाद क्या वादा किया था, 50 दिन में सब ठीक हो जाएगा। और भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जाली नोट, ये 4 मुद्दे थे उनके, तो क्या एक भी मुद्दा? और कैश तो उस समय उसमें दुगना हो गया था कैश 1000 में। तो ये उनको मालूम है कि वो जो कर रहे हैं वो नॉनसेंस है, उनको मालूम है कि जो कर रहे हैं वो लोगों के हित में नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये देश के, हम भारतीयों के दुश्मन की सरकार, समझना चाहिए कि ये जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। मैं दावा करता हूँ कि मोदी शाह कभी सच बोले वो हमें बताए, तो वो सच बोलने का उनको मालूम ही नहीं सच बोलना। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा प्रभाव SC ST OBC पे पड़ने वाला है, ना कि माइनॉरिटी पे, ये सच है? गलत है। यूजीसी, ये सब हिंदुओं पर फर्क पड़ने वाला है। अच्छा। हिंदुओं को फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि हिंदू कोड बिल जो लाया था उसको भी राजेंद्र प्रसाद वगैरह उस जमाने के रिएक्शनरी लोगों ने विरोध किया था। बाबा साहब ने सबके लिए, यानी विशेषता हिंदू स्त्रियों के लिए, हिंदू समाज के लिए अच्छे बनाए थे। अभी हमारे हिंदू फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, मिताक्षरा लॉ हम फॉलो करते हैं, तो ये इनका UCC कहाँ लाएंगे? वहाँ अभी बात हो रही थी कि कई साधु नंगे चलते हैं, कई साधु तो लड़कियों ने अच्छे कपड़े पहने बिना फूल का मंदिर में नहीं जाना, कौन सा कानून, कैसा कानून चलेगा? ऐसे कई बात है। जब शादी की बात होती है तो महाराष्ट्र में अपने बहन की बेटी, यानी हमारी बेटी समझते हैं हम लोग, लेकिन तो दक्षिण में मद्रास में, हैदराबाद में, इधर ये मामा बहन के लड़की से मामा शादी करता है, तो ये कहाँ कानून में आएगा? दूसरी बात, मुसलमान, ये जो एक हमारी गलत फहमी है कि हिंदू बोल के सब एक है, गलत है। हिंदू में कई सेक्ट्स हैं, कई विभाजन है उनमें, मुसलमान एक है, बिल्कुल गलत है। सभी मुसलमानों के, कई कश्मीर के मुस्लिम अले गए, पंजाब के मुस्लिम अले गए, तो किसके लिए तुम कानून लाएंगे? एक कानून ला नहीं सकते। जैसा उन्होंने, आप सोचो ना कि पंजाब के मुस्लिमों के लिए हम कहाँ रखेंगे, कश्मीर के मुस्लिमों के लिए हम कहाँ रखेंगे, और देश भर के मुस्लिम हैं उनमें भी बहुत बहुत विभाजन है। और ये सब विभाजन के लिए, सबको समाधान करने के लिए UCC, वो बात करने में ठीक है कि एक देश एक है तो कानून योग्य नहीं, अरे हमारे देश की नींव ही एकता में अनेकता है, तो एकता में अनेकता जब है तो ये नींव ये कहाँ क्या करेगी? तो इनको मालूम है कि हम UCC नहीं ला सकते। लेकिन सत्ता पक्ष बार बार गिनाने का प्रयास कर रहा है कि UCC के बाद एकता बढ़ जाएगी, अभी जो अखंडता में बटे हुए हैं। गलत है, उन्होंने CNRC किया, क्या हुआ? अभी तक CNRC के रूल्स वो बना नहीं सके, तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। मैं तब भी बोलता था ये सब बकवास है, मैं तो देश भर जाके सबको, विशेषता मुसलमानों को, वो तो CNRC सबके खिलाफ है, वो भी दलितों के खिलाफ है, वो बाकी हमारे हिंदुओं के खिलाफ है। लेकिन अभी मुझे भी पूछा ना कि तेरे ग्रैंडफादर का बर्थ सर्टिफिकेट दे या तेरे बाप का बर्थ सर्टिफिकेट, अरे हम कहाँ देहात में जन्मे हैं, ना हमारी किसी कहीं नोंद है, ना हम कहीं, सिर्फ हमें जज है इसलिए थोड़े हमारे बाप का सर्टिफिकेट हम दे सकते हैं। तो CNRC जैसा हो उसका, वही UCC का है। मुस्लिम समाज के अंदर सर ये डर दिखाया जा रहा है कि आपको जो ट्रिपल तलाक, लव जिहाद, इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर जो इस्लाम कहता है उसके हिसाब से जो फायदे हैं वो आप लेते हो, उस हिसाब से सज़ा नहीं लेते, उसके लिए आप इंडियन जो जुडिशरी, आज 90% कानून, यानी सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, ट्रांसफर एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सभी कानून, सबको कानून है, कॉमन है, उसमें कोई फर्क नहीं रहा, सिर्फ मैरिज एक्ट, तो इंडियन मैरिज एक्ट भी लाया है। तो मैरिज एक्ट लाने के बावजूद वो क्या किया है, वो कंपलसरी नहीं किया है, आप चाहे इंडियन मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर करो। तो ये इन्होंने कभी किसी भी कानून, यानी आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 14 में इक्वल फॉर इक्वलिटी है, लेकिन वहाँ आरक्षण के लिए, इसके लिए सब प्रोविजन है। तो जहाँ प्रोविजन है, जहाँ ऑप्शन देता दिया हुआ होता है, वो ऑप्शन तो दिया हुआ है, अभी भी ऑप्शन है कि आप इंडियन मैरिज एक्ट से करो, नहीं तो आपके कस्टम से करो। इतने कस्टम है हमारे देश में, हजारों कस्टम है, अरे 6000 के 3000 तो भाषा है, कितनी भाषाएँ है, और बाकी तो जाति और ये जो है धर्म की बात, तो
अच्छा सर, आपने एक बड़ी बात कही, आप खुद एक ऊंचे पद पर हैं, उसके बाद ये कहना कि पूरी संभावना थी कि 2019 में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा आई, तो सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से आप जनता से क्या कहना चाह रहे हैं? यही चाहता हूँ कि देखो ना, उसका रिकॉर्ड अभी आया है, वो तो सब अभी ईवीएम उन्होंने बर्बाद कर दिए, लेकिन 6 लाख से ज़्यादा ईवीएम टेम्पर्ड थे 2019 की बात कर रही। तो दूसरी बात, ये गिमिक, ये पुलवामा, ये अभी देखो पुलवामा की इंक्वायरी करना चाहिए कि नहीं, कैसा हुआ, इतना आरडीएस कहाँ से आया? अभी वो सतपाल मलिक के बाद तो मालूम हुआ सबको कि इन्होंने दुर्लक्ष किया या करवाया, या तो करवाया नहीं तो निगलेक्ट किया, आने दो। जब हजारों रास्ते वहाँ बुसरा रोड को मिलते हैं, और जब प्लेन की मांग करी थी तो किया नहीं। सब्जेक्ट हमारा दूर जा रहा है इसलिए मैं उसको कट करता हूँ, लेकिन ये आने वाले 2024 के लिए समाज को गुमराह करने के लिए यूसीसी की बात करी मोदी। अच्छा, एक और सर बात, दूसरी बात, उसी भाषण में देखो ना तुम, जी हाँ, यूसीसी की बात करी, वहाँ बोले मैं मोदी का वादा हूँ कि जो भी करप्ट छोड़ूंगा नहीं, सब करप्ट को अंदर लिया, उसके बाद लिया हमारे महाराष्ट्र के सभी करप्ट को, मेरे घान, मैं तो कहता हूँ कि हमारी गंदगी गई पॉलिटिक्स की, वो अंदर जाए बीजेपी में, तो जहाँ सब पार्टी के गंदे लोग, करप्ट लोग तुम जब बीजेपी में लेते हैं तो किस क्या वादा करते हैं मोदी, और मोदी के वादे क्या है? नोटबंदी के बाद क्या वादा किया था, 50 दिन में सब ठीक हो जाएगा, और भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जाली नोट, ये 4 मुद्दे थे उनके, तो क्या एक भी मुद्दा? और कैश, तो कैश तो उस समय उसमें दुगना हो गया अभी कैश बाजार में, तो ये उनको मालूम है कि वो जो कर रहे हैं वो नॉनसेंस है, उनको मालूम है कि जो कर रहे हैं वो लोगों के हित में नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये देश के, हम भारतीयों के दुश्मनी सर, दुश्मन की सरकार है, ये हमें चैन से सोने नहीं दे रहे, चैन से रहने नहीं दीजिए, और इनका ये पुराने इतिहास में, पुराने इतिहास में नहीं जाऊँगा, लेकिन 10 साल में आपने देखा ना कि उनकी मनीषा है कि वो देश के मालिक है, हम सब 2 जून के रोटी के अधिकारी है, ये 10 साल में उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। जनता रो रही है सर, लेकिन तमाम जो भाजपा है जिसको इतना क्रूर कहा जा रहा है, अभी भी 24 में उसकी सरकार बनेगी, जनता अगर खुश नहीं है तो इसका कोई समाधान नहीं है, हमेशा वो काबिज रहेगी बीजेपी ऐसे। लेकिन बीजेपी को रखेंगे कौन अभी? अभी समाधान क्या है सर, क्योंकि नहीं, इसलिए तो हम, अरे मैं आपके आपके बीच, इसलिए तो मैंने पहले आभार माना, सोशल मीडिया जिंदा है इसलिए हम लोग कुछ बोल रहे हैं, मेन मीडिया हमको बोलने देता है क्या? तो ये आपका सोशल मीडिया बहुत पॉपुलर है और ये लोगों के घर घर तक जा रहा है डर के मारे, मुस्लिम हो, दलित हो, वो वीडियो डाउनलोड करके लोगों को सर्कुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो डरते हैं क्योंकि ये तो सब रिकॉर्ड होता है ना। सर एक बात है, जिस तरह से आपने यूसीसी की बात की है और सरकार जिस पर दिन रात ढोल पीट रही है, लेकिन एक सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इससे आरक्षण खत्म होने की बहुत बड़ी संभावना है। मैं आरक्षण के बारे में कितनी बार कहा, मैं अभी भी, मैं कल अपील किया सब ब्राह्मणों को, पब्लिक इंडिया टीवी है, वेबसाइट आपके जैसी है, आनंद वर्धन की, मैंने सब ब्राह्मणों को अपील किया, मैं इसमें कोई ब्राह्मण उनको भी अपील करता हूँ, क्या रे हमको छोड़ो अभी, स्वर्ग से हमको नहीं चाहिए मतलब नहीं है, नर्क से हमें मतलब नहीं है, 33 करोड़ देवों से हमें मतलब नहीं है, हमें अन्न वस्त्र निवारा आरोग्य शिक्षण दे दो, रोटी कपड़ा मकान सुध दे दो हमको, और मैं उन आपके माध्यम से छीनना चाहता हूँ, सुनिए, उनके माध्यम, आपके माध्यम से मैं सब ब्राह्मणों को विनती करता हूँ कि आप, हम आपसे झगड़ने के बजाय हम विनती करते हैं कि तुमको तो 100% आरक्षण था ना, कब तक? 47 तक, कॉन्स्टिट्यूशन आयोग तक तो 100% ब्राह्मण सभी, कोई भी आए, औरंगजेब आए तो उनके दरबार में थे, ब्रिटिश आए तो उनके दरबार में थे, मोहम्मद गजवी आए तो उनके दरबार में वही थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने मदद की सबको, हम तो सब जानवर थे, ना पढ़े लिखे थे, ना हमें संपत्ति का अधिकार ना था, हम सीखने का पीछने पढ़ाई का अधिकार था, तो हमने क्या किया, हम तो कुछ नहीं कर सकते थे। तो जब 100% आरक्षण आपको था तो देश कहाँ था? अरे हिटलर ने देश बर्बाद किया, मुसोलिनी ने देश बर्बाद किया, जापान ने, जापान को अमेरिका ने बर्बाद किया, तो भी देश वो आज टॉप पर है, हमको तो किसी ने बर्बाद नहीं किया, हमको तो हमने बर्बाद किया, और हमने नहीं, ब्राह्मणों ने बर्बाद किया हमको, और ये ब्राह्मणों ने बर्बाद करने के बावजूद आप बोलते हैं कि आरक्षण, आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, आरक्षण के पहले आरक्षण तो आपको 100% था, आज भी है, आज भी कम पड़ा तो 10% और दिया है, तो ये आप सब सत्ता में होने के बावजूद देश
आगे क्यों नहीं जा रहा है ये ब्राह्मणों ने सोचने की जरूरत है, और उसके बाद हम सब यूसीसी से प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, लेकिन हम सबको काम करना पड़ेगा, हम सबको समझाना पड़ेगा। अरे भाई तुम ड्राफ्ट दे दो, वो ड्राफ्ट बना नहीं सकते। मैं तो आज भी मोदी शाह के सामने बैठ के उनको उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने को तैयार हूँ, चलो भाई सिविल कोड के दो चार कोड तो बोलो, ये कलम तो हम भी बोलो, बोल ही नहीं सकते। वो इतने बोलेंगे एक देश एक कानून, ये सब कानून के सामने एक होना चाहिए। सब कानून के सामने कब एक होना चाहिए? जब सब लोग सामाजिक स्तर पर आर्थिक स्तर पर एक है तो एक कानून की बात करें। सर एक अजीब नहीं लगता जहां प्रधानमंत्री हमारे देश के कहते हैं मैं कपड़ों से पहचान लेता हूं, उस देश में समान कानून की बात की जा रही है? लेकिन कपड़े के पहचान की अभी कई किस्से बताओ। हाँ। अभी जो हमारे यहाँ कुरूलकर जिसने अपने देश के सीक्रेट बेचे है, वो तो कुरूलकर है, आरएसएस का आदमी है, तो कपड़े से क्या पहचान है तुमने? कपड़े से क्या? दूसरा शेंडे औरंगाबाद नागपुर का है, वो शेंडे का नाव त्यांचं नागपूरचं केशर नाही ना, तो ज्याला सापडले एअर जे हे परदेशाला दिलं त्यांचं, तो जो शेंडे है तो तुमचा है, तो काही कपडे का टोपी आज भी एक और पकडा गया है। देखो ना, पर सो देश का डिफेंस बेचने वाले कौन है? कौन मुस्लिम है? कोई दलित है? देश को खाने वाले, देश को बर्बाद करने वाला एक भी दलित बताओ, एक भी मुस्लिम बताओ। अरे उन्होंने तो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया मुस्लिमों ने, पहले शुरू किया आदिवासियों ने। अरे आदिवासी वो तो सावरकर को बोलते हैं, पटेल की बोलते हैं, पटेल भी बोलते हैं कि आदिवासियों के साथ हम पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन उन्होंने पहले शुरू किया, सरदार पटेल बोल रहे थे। तो मैं आपके माध्यम से आज सबको विनती करता हूँ, जो भी खुद को उच्चवर्णीय कहता है उनको मैं विनती करता हूँ कि अभी आपका उच्चवर्ण छोड़ो। पाकिस्तान जब जापान बर्बाद हुआ तो उनके वहाँ की समुराई जात थी, उच्चवर्णीय थी, उन्होंने कहा कि हमें देश को विकास के साथ लेना है, हम सब हमारे उच्चवर्णीय के फायदे छोड़ देते हैं। तो तुम भी करो ना, कुछ करके दिखाओ हमको, हमारे आरक्षण पर क्या दिया आरक्षण में? आज भी की पोजिशन में जहाँ नियोजन होता है, जहाँ देश चलाने का नियोजन होता है, वहाँ हमारा एक भी आदमी नहीं है, आरक्षण से भी कभी पहुँचा नहीं है, एक भी नहीं है। किसी भी पार्टी को बोलो कि तुम बिठाओ, कौन है ऐसा? सर एक और बात है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट की जगह हैं जहाँ पर जो ट्राइबल्स एरिया, वहाँ सरकार को धमकी भी दी जा रही है कि अगर यहाँ पर यूसीसी लागू हुआ तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है, नेताओं के घर जला दिए जाएंगे, ऐसी सब चीज़ें भी चल रही। तो ये देश में क्या 2024 से पहले ये सब माहौल बनाने की तैयारी है? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम सबका देश, उनको क्या लगता है उनको, इनका ये लोग क्या है, मुझे माफ़ करेंगे आप, दूध का तालाब होता है ना उसमें पेशाब करने वाले लोग। मैं अभी बड़े दावे से कहता हूँ, इनका मैंने हज़ारों साल का मेरा अभ्यास है, इन्होंने जब भी देश सुखी होने लगता है, जब भी देश अच्छी तरह तरक्की पे जाने लगता है, तो उन्होंने गांधी को मारा, बाद में बाबरी मस्जिद किया, बाद में गोधरा किया, बाद में अहमदाबाद किया, बाद में पुलवामा किया, उरी किया, पठानकोट किया, किसने किया? उरी के लोग तो पुलिस स्टेशन में बंद थे आतंकवादी, उनको मारने की ज़रूरत क्या थी? यदि ट्रायल चलती तो वो आतंकवादी हमारे थे शायद प्रूव हो जाता। तो इसलिए हम समझना चाहिए कि ये जो भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं। मैं दावा करता हूँ कि मोदी शाह कभी सच बोले वो हमें बताए कोई, तो सच बोलने का उनको मालूम ही नहीं सच बोलना। देश हित में तो काम कर रहे हैं, बोलते हैं राष्ट्रवादी, तो बोलो ना राष्ट्रवादी। अभी पहला देश हित उन्होंने क्या किया? संविधान को बर्बाद किया, डेमोक्रेसी को बर्बाद किया। वो अच्छा काम किया उन्होंने, 5 किलो धान दिया तो हम लोगों को आलसी बनाया। हम बोलते थे हमको मनरेगा में काम दो, मनरेगा का काम चलता तो देश का विकास होता, मनरेगा काम चलता तो हम श्रम के पैसे लेते, धान लेते, खरीदते। आज हमारी बहनें दूसरों के घर बर्तन बांध रही है, और ये जो हमारे भाई है दारू पी के पड़ रहे घर में, 5 किलो धान आ रहा है। तो ये तुमको पंगु बनाने के लिए 100 करोड़ लोगों को ये 5 किलो धान दे रहे दिया, ये समझने वाले लोगों को समझता है। लेकिन हम सब लोग ये जो मोदी जी आदि देता है इतने ये क्या किया? तो मैंने कहा कि संविधान ख़त्म किया, डेमोक्रेसी ख़त्म कर, अरे क्या बोल रहे हैं? वो एक सवाल पूछा जिंदगी में उनके 10 साल के अमेरिका में एक ही सवाल पूछा है कि आपके यहाँ ये चल रहा है, तो क्या बोले मोदी का उस आंसर क्या था? प्रश्न को तो उत्तर नहीं दिया, लेक्चर देने शुरू किया, और वो भी प्रॉम्प्टर टेलीप्रॉम्प्टर पर।
लेकिन वो तो कह रहे डीएनए में लोकतंत्र है। हाँ वही तो इसलिए दिखाया ना उन्होंने, अभी वहाँ ही वही दिखता है, वही दिख गया। यदि डीएनए में लोकतंत्र अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे किसी टेलीप्रिंटर की गरज है क्या? मालूम है मुझे समाज के लिए क्या चाहिए? मोदी को मालूम है समाज को क्या, लेकिन वो समाज के लिए क्या चाहिए वो बोल ही नहीं सकते क्योंकि वो दे नहीं रहे। लेकिन आदिवासी राष्ट्रपति दे दिए, बताइए। देखो ना उसको मंदिर में लेते क्या? लेकिन दरबार का एक समय होता है, ये थोड़ी है कि कभी भी उठाएंगे। पंडित जी ने क्या कहा? उसको मंदिर में जाने को परमिशन दी क्या? नहीं दी। हमारे पहले भी प्रेसिडेंट थे, दलित थे, वो जाने के बाद मंदिर साफ हुआ। अभी भी हम कई मीटिंग लेते हैं। अरे महाविकास आघाड़ी की नागपुर में मीटिंग हुई, वो मीटिंग खत्म होने के बाद इन लोगों ने वहाँ गौमूत्र, यानी इंसान जहाँ पाँव रखता है वहाँ गंदगी फैलाने के लिए गौमूत्र और ये फेंक देते हैं। तो ये जो उनकी मानसिकता है, मैं आप सबको, आप चाहे तो मरो अगली पीढ़ियों के लिए, हम भी मरने को तैयार है, लेकिन आप डरो मत। हमें ये मैसेज घर घर देना होगा और ये मैसेज के बिना 2024 में हम उनको हरा नहीं सकते। सिर्फ सोशल मीडिया उनको हरा सकता है।